आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथी, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम और आज मैं यहां गांधी विहार पर हूं। यहां पर पंचशील आश्रम है और यहां पर 35वां दलित साहित्य सम्मेलन मनाया जा रहा है। बौद्ध धर्म से जुड़े बैच लोग बेच रहे हैं और बेच रहे हैं किताबें। यहां देश विदेश के 10,000 आदमी आए हुए हैं पर दिल्ली के नहीं हैं। डॉक्टर सोहन पाल सोमनाक्षर की यह बहुत बड़ी खूबी है कि ये हर वर्ष इतने सारे लोगों को एक मंच पर एकत्रित कर देते हैं। आज के समय में इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना मायने रखता है। वैसे भी भारतीय दलित साहित्य अकादमी की विदेशों में भी शाखाएं हैं। अकादमी की उपलब्धि का व्याख्यान करते हुए डॉक्टर सोहन पाल सोमनाक्षर कहते हैं, केपी चौधरी साहब जी है जो हम यहाँ पर उनको हमने आमंत्रित किया प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबू बाबू परमानंद जी से अवार्ड से उन्होंने जब जनपथ पे पूरा ही एक यात्रा निकाली थी, संविधान यात्रा अभी 26 तारीख। मैं समझता हूँ इतिहास में हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं। बाबू साहब के मिशन को, भगवान बुद्ध के मिशन को, अपने संतों के मिशन को, गुरु रविदास जी के मिशन को, सबको आगे बढ़ा रहे और हमारे महानुभाव का मिशन है, मानवता वाला मिशन है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, रविदास छोट बड़े सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरु रविदास जी का है जो समाजवाद से परिपूर्ण है। उन्होंने समाजवाद के लिए अपने ये रूपरेखा भी दी कि हमें कैसा वो चाहिए। बेगमपुरा उन्हीं के बेगमपुरा के नाम पर हम लोग ने पिछले 10 साल से बेगमपुरा टीवी चैनल चला रहे हैं जो आप देख सकते हैं वेबसाइट पर। तो हमारे महापुरुषों ने जो दिया है हमको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ उन महापुरुषों के वाक्यों को लेकर के हम चलें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ कि मेरे जो भारतीय दलित साहित्य एकेडमी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ कि पूरे साल वो लगे रहते हैं, उसके बाद लोगों को प्रेरणा देते हैं, उसके बाद इस दलित साहित्य के महाकुंभ में भाग लेने के लिए दिल्ली प्रेरित करते हैं। दिल्ली आने के बाद मैं समझता हूँ कि इतने कष्ट होते हैं, सबको सभी सुविधाएं नहीं मिल सकती। नेपाल से, दार्जिलिंग से हमारे नेपाली भाई आए हैं तो सबको उतनी सुविधाएं नहीं दे सकती जैसे घर पर आराम से होती है, लेकिन फिर भी वो बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसका श्रेय मुझे नहीं, मेरे सारे पदाधिकारियों का है, जो अकेडमी पदाधिकारी है, जो नेशनल सेक्रेटरी है, जो स्पोक्समैन है, वो सारे इस जो मिशन से जुड़े हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो नए जो लोग आए हैं इस बार, मैं समझता हूँ उनसे भी ये मेरा निवेदन है कि वो जब यहाँ से लौटे तो बाबा साहब और हमारे संतों का, भगवान बुद्ध का संदेश लेकर के वापिस जाए।